के पास, घर के पीछे हमारे 300 मीटर दूरी पे, इधर साइड उत्तर साइड क्या कहते हैं गांव से पश्चिम साइड यही नहर के पास कुछ कौवे यहाँ 3-4 अभी मिले हैं, संदिग्ध में मरे पड़े हुए हैं। कुछ कौवे अभी सुबह से कुत्ते वगैरह इधर टहल रहे थे, कुछ ले गए हैं इधर उधर, और अभी 4-5 मौके पे 3-4 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सुबह हमने कहा कि सूचना दे दें यहाँ पर सरकारी विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, डॉक्टर साहब बताएं, लेकिन किसी का फ़ोन लगा नहीं। हम इसीलिए मीडिया प्रभारी को फ़ोन करके अपना बात की, भैया हमारे यहाँ से ऐसी दिक्कत है, थोड़ा सा हम ग्राम सभा से या ब्लॉक को जाकर जानकारी दे दें, सूचना दे दें, यहाँ का निवारण हो सके। यहाँ के गांव लोग सब, जो पब्लिक लोग, जो जनता लोग है, बीमारी की वजह से, बर्ड फ्लू की वजह से सब परेशान हैं, इसका निवारण किया जाए। मेरा नाम शिवाज शुक्ला है, मैं सरिया ग्राम सभा से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर आज सुबह जब हम लोगों ने इधर आए तो देखे तो कुछ कौवे मरे पड़े हैं, उसमें से 2 कौवे कुत्ते उठा ले गए और 3 कौवे यहाँ बचे हुए हैं। इसकी वजह से हमारे गांव में दहशत फैली हुई है और हमारे सरिया ग्राम सभा में बर्ड फ्लू के चलते देखते हुए मद्देनज़र हम लोग डरे पड़े हुए हैं। और यहाँ के हमारे कैटी ग्राम सभा, कैटी गांव से सरिया ग्राम सभा से लोग दहशत में पड़े हुए हैं और इसकी जानकारी हम आगे रिपोर्ट कोशिश की और स्वास्थ्य विभाग के फ़ोन नहीं लगने से फिर हमें मजबूरन प्रेस वाले को फ़ोन करना पड़ा। और इसके डरते हमारे गांव के लोग सभी कैंटी निवासी डरे पड़े हुए हैं, जो यहां और भी खेती करने आते हैं वो भी डरे पड़े हुए हैं। हम यही तो चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि इसके लिए जो सरकारी विभाग है इसकी आके जांच करे और इसके निवारण के लिए हमें कुछ उपाय बताए। सर, संग्रामपुर में कुछ कौओं के मरने की सूचना आई है, क्या लगता है? हाँ, अभी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि संग्रामपुर में एक गांव है सरैया कैथी में, जो है 2-3 कौओं के मृत होने का समाचार मिला है। उसके जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया गया है कि उन कौओं को नियमानुसार कलेक्ट करा करके उनकी जांच कराई जाए। और इसी क्रम में जो है अपने सामुदायिक चिकित्सक के अधीक्षक को निर्देशित किया है कि उस पूरे क्षेत्र को विसंक्रमित कराया जाए तथा वो जहाँ पर वो गिरे पड़े हुए थे वहाँ पर जो है कम से कम 24 घंटे नजाया जाए और उस क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए। अगर किसी में भी इस तरह के बर्ड फ्लू के कोई लक्षण मिलते हैं तो उनको तत्काल जो है जिला अस्पताल में, जहाँ पर हमने जो है 5 बिस्तरों का बेड आरक्षित कर रखा है, वहाँ पर भेजा जाए, जिससे कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उनकी सैंपलिंग भेज करके, वायरोलॉजी लैब भेज करके जांच कराई जाएगी। सर, बर्ड फ्लू से बचाव के लिए अमेठी में किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, बर्ड फ्लू के बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बर्ड फ्लू की बीमारी में जो लक्षण होते हैं वो आम खांसी जुकाम बुखार के ही लक्षण होते हैं। तो इसलिए जो है लोगों को सेंसिटाइज होना चाहिए। इसके लिए जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधीक्षक हैं, मैं अपने सभी चिकित्सा अधीक्षकों से सुबह और शाम 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जूम ऐप से मैं सबसे बातें करता हूँ 13 लोगों से, और उनके बारे में जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं वो दिए जाते हैं। इसी क्रम में सबको दिशा निर्देश किया गया है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जितने भी पक्षी पालक लोग हैं, जो भी कुक्कुट व्यवसाय से लोग जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी लोगों को सेंसिटाइज कर दें। इन लोगों को निर्देशित करें कि जो भी बीमार पक्षी उनके पास हैं उनका मांस ना बेचें। आम जनमानस से अपील कर रहा हूं कि इस समय जो है पक्षियों के मांस खाने से अपने में दूरी बना करके रखें। अगर कोई पक्षी पालक किसी अस्पताल में आता है और वो जो है खांसी जुकाम बुखार का मरीज अपने को बताता है तो उसको एक आइसोलेट करके ही एग्जामिन किया जाए। उसमें बिल्कुल उसका एक प्रोटोकॉल है जिसमें कि पूरा फॉलो करें और उसके मुताबिक करें। और इसीलिए जो आवश्यक औषधियां हैं वो हमारे चिकित्सालय में हैं, उसके लिए बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अमेठी का जिला अस्पताल और यहाँ के हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सभी सक्षम हैं। अगर कोई इस तरह का होगा तो हम निश्चित रूप से उसको स्वास्थ्य लाभ पहुँचाएंगे।